Thank you. Welcome. Thank you so much, sir. सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े, हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियाँ पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही परसेंट हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है, किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सभी को नमस्कार। और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का
हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयभान जी का, पवन खेड़ा जी का और विनीत पुनिया जी का और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए, जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए, वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ, लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था, लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई, उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद।